आइए सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के बांकुरा। प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। कार लाने के लिए जो तोलाबाजों सिंडिकेट को जेल भेजे, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही करे, याशोल परिवर्तन। अब बंगाल में बीजेपी ला करके दिखाएगी। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चल बेना चल बेना। आप बोलेंगे मेरे साथ, आप सब बोलेंगे, आपको बोलना है चल बेना चल बेना। दीदी, भ्रष्टाचार खेला, दीदी भ्रष्टाचार खल बेना खेला, दीदी भ्रष्टाचार खेला, दीदी सिंडिकेट खेला, दीदी सिंडिकेट खेला, कटमनीर खेला, कटमनीर खेला। और जब भाजपा आएगी तो क्या होगा? भाजपा जब आएगी मायर पूजा होगे, माटे तिलक होगे, मानुषेर सम्मान होगे। साथियों, आज जब मैं बांकुड़ा आया हूं तो यहां रामपाड़ा के बहनों भाइयों को भी विशेष तौर पर राम राम कहूंगा। आजकल रामपाड़ा की चर्चा पूरे देश में है। रामपाड़ा में आप राम पुकारेंगे तो हर घर से राम निकलेगा। और ये बात सिर्फ रामपाड़ा की नहीं है, बल्कि ये पूरे वनवासी आदिवासी समाज की है। प्रभु राम के साथ वनवासी समाज का नाता ही इतना घनिष्ठ है, इस आत्मीयता को कोई मिटा नहीं सकता। वनवासी समाज के भाई बहन वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथ ही रहे, सखा रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं। इसी अपनेपन के भाव के कारण वो श्री राम का नाम लेते हैं। और सोचिए दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है, किसके लिए? किसी और को खुश करने के लिए? तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है? आपने अपना ये असली चेहरा, दीदी आपने अपना ये असली चेहरा 10 साल पहले दिखा दिया होता तो बंगाल में कभी आपकी सरकार नहीं बनती। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये उत्पादन नहीं कर रहा था तो फिर मां माटी मानुष की बात क्यों किया? भाई और बहनों, आज जब बंगाल के लोगों ने चुनावों में टीएमसी को सबक सिखाने की ठान ली है तो दीदी जरा बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है।
आप बंगाल के संस्कार, यहां की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुड़ा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के 130 करोड़ नागरिकों की सेवा में झुक करके रखता हूं, झुका करके रखता हूं, नमन कर करके रखता हूं। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसी बंगाल के सपूत ने यही संस्कार दिए हैं हमें। इसलिए दीदी, अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है। दीदी आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अपने गरीब भाई बहनों, अपने आदिवासी वनवासी भाई बहनों को लात नहीं मारने दूंगा। आप देख लीजिए बंगाल में, दीदी आपका किला ढह चुका है। अरे दीदी, ओ दीदी, आप सोचती थी कि आप कुछ भी करती रहे आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल आपसे पूछ रहा है। केंद्र सरकार हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिया है, लेकिन यहां की बहन बेटियां बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। नल कहां है दीदी, जल कहां है दीदी, यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी? क्यों यहां का किसान साल में सिर्फ एक फसल लेने के लिए मजबूर है? यहां सिंचाई व्यवस्थाएं जर्जर क्यों है? परियोजनाएं लटकी क्यों है दीदी? यहां युवा परेशान है, चाकरी उद्योग निवेश कहां है दीदी? आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहां है दीदी? और इसलिए आप कह रही है फैला हो गए, फैला हो गए। 10 साल बंगाल के भाग्य के साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या? 10 साल यहां के लोगों से विश्वासघात करके आपका मन अभी भी नहीं भरा है? आप खेला हो गए बोलते रहिए। अब पश्चिम बंगाल ठान चुका है, पश्चिम बंगाल ठान चुका है, खेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए। साथियों, दीदी और उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या खेला किया, ये पूरा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
स्वर्गीय अजित मुर्मू जैसे हमारे अनेक आदिवासी साथी तृणमूल के खेला के कारण शहीद हो गए। दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता माला माल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी ये किसके पैसे से खरीदी गई दीदी? क्या ये गरीबों का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है कि नहीं है? भ्रष्टाचार खेला चल बेना चल बेना। आप बोलेंगे मेरे साथ? आप सब बोलेंगे? आपको बोलना है चल बेना चल बेना। दीदी भ्रष्टाचार खेला, दीदी भ्रष्टाचार खल बेना खेला, दीदी भ्रष्टाचार खेला, दीदी सिंडिकेट खेला, दीदी सिंडिकेट खेला, कटमनीर खेला, कटमनीर खेला। और जब भाजपा आएगी तो क्या होगा? भाजपा जब आएगी मायर पूजा हो गए, माटे तिलक हो गए, मानुषेर सम्मान हो गए। साथियों, आज जब मैं बांकुड़ा आया हूं तो यहां रामपाड़ा के बहनों भाइयों को भी विशेष तौर पर राम राम कहूंगा। आजकल रामपाड़ा की चर्चा पूरे देश में है। रामपाड़ा में आप राम पुकारेंगे तो हर घर से राम निकलेगा। और ये बात सिर्फ रामपाड़ा की नहीं है, बल्कि ये पूरे वनवासी आदिवासी समाज की है। प्रभु राम के साथ वनवासी समाज का नाता ही इतना घनिष्ठ है, इस आत्मीयता को कोई मिटा नहीं सकता। वनवासी समाज के भाई बहन वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथ ही रहे, सखा रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं। इसी अपनेपन के भाव के कारण वो श्री राम का नाम लेते हैं। और सोचिए दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है, किसके लिए? किसी और को खुश करने के लिए? तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है? आपने अपना ये असली चेहरा, दीदी आपने अपना ये असली चेहरा 10 साल पहले दिखा दिया होता तो बंगाल में कभी आपकी सरकार नहीं बनती। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये उत्पादन नहीं कर रहा था तो फिर मां माटी मानुष की बात क्यों किया? भाई और बहनों, आज जब बंगाल के लोगों ने चुनावों में टीएमसी को सबक सिखाने की ठान ली है तो दीदी जरा बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है।
आप बंगाल के संस्कार, यहां की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुड़ा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के 130 करोड़ नागरिकों की सेवा में झुक करके रखता हूं, झुका करके रखता हूं, नमन कर करके रखता हूं। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसी बंगाल के सपूत ने यही संस्कार दिए हैं हमें। इसलिए दीदी, अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है, दीदी आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अपने गरीब भाई बहनों, अपने आदिवासी वनवासी भाई बहनों को लात नहीं मारने दूंगा। आप देख लीजिए बंगाल में, दीदी आपका किला ढह चुका है। अरे दीदी, ओ दीदी, आप सोचती थी कि आप कुछ भी करती रहे आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल आपसे पूछ रहा है। केंद्र सरकार हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिया है, लेकिन यहां की बहन बेटियां बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। नल कहां है दीदी, जल कहां है दीदी, यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी? क्यों यहां का किसान साल में सिर्फ एक फसल लेने के लिए मजबूर है? यहां सिंचाई व्यवस्थाएं जर्जर क्यों है? परियोजनाएं लटकी क्यों है दीदी? यहां युवा परेशान है, चाकरी उद्योग निवेश कहां है दीदी? आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहां है दीदी? और इसलिए आप कह रही है फैला हो गए, फैला हो गए। 10 साल बंगाल के भाग्य साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या? 10 साल यहां के लोगों से विश्वासघात करके आपका मन अभी भी नहीं भरा है? आप फैला हो गए बोलते रहिए। अब पश्चिम बंगाल ठान चुका है, पश्चिम बंगाल ठान चुका है, खेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए। साथियों, दीदी और उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या खेला किया, ये पूरा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
स्वर्गीय अजित मुर्मू जैसे हमारे अनेक आदिवासी साथी तृणमूल के खेला के कारण शहीद हो गए। दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता माला माल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी ये किसके पैसे से खरीदी गई दीदी? क्या ये गरीबों का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा लूटा गया है कि नहीं लूटा गया है? ये आपका पैसा वापस लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? इसलिए दीदी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दीदी जांचे, दीदी जांचे, दीदी जांचे। बंगाल के गरीब लोगों के पैसों से मालामाल हो रहे हो साथियों। जब बालू का डंपर कई गुना महंगा हो जाएगा तो कमाई तो बालू माफिया की बढ़ेगी, कट मनी वालों की तो बढ़ेगी। घर बनाने में सामान्य नागरिक को होने वाली परेशानी से दीदी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। जब घर बनाने के हर सामान पर कट लगेगा तो सिंडिकेट वालों का खजाना घबरेगा ही। भाई और बहनों, मैं जितना दीदी से आपके सवाल पूछता हूं उतना वो मुझ पर गुस्सा करती है। अब तो कह रही है कि उनको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है। अरे दीदी, मैं तो मास्क लगा के आता हूं। अरे दीदी, लोकतंत्र में चेहरा नहीं, जनता की सेवा, जनता के लिए किया गया काम, यही तो तराजू पर होता है, यही कसौटी पर कसा जाता है। मेरा चेहरा आप देखे ना देखे, लेकिन बांकुड़ा की बेटी हमारी चंदना जी और ऐसे अनेक भाजपा के कार्यकर्ताओं का चेहरा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दीदी, ये चंदना जी का चेहरा आप कभी नहीं भूल पाओगी, आप ये युवा चेहरे कभी नहीं भूल पाओगी। चंदना जी हां सल्टोरा सीट से सिर्फ भाजपा उम्मीदवार भर रही है, बल्कि चंदना जी पश्चिम बंगाल की आकांक्षा का प्रतीक है, पश्चिम बंगाल के विकास का प्रतीक है। ये उन बहनों का चेहरा जिनको आपने नल से वंचित रखा है, जल से वंचित रखा है। ये उन श्रमिकों का चेहरा है जिनको तृणमूल के टोलाबाजों ने परेशान किया है। ये उन गरीबों का चेहरा है जिनके चावल, जिनके पक्के घर, जिनके हक पर तृणमूल के टोलाबाजों ने डाका डाला है। अब ऐसे ही चेहरे पश्चिम बंगाल की बहनों को, श्रमिकों को, गरीबों को न्याय देंगे, उनको उनका हक देंगे। ये आशोल परिवर्तन के चेहरे है। ये सोनार बांग्ला के निर्माण के शिल्पी है। साथियों, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि इन उम्मीदवारों को भारी समर्थन देकर विधानसभा भेजे ताकि उनका उत्साह बढ़े, आपकी सेवा के लिए वो दिन रात जुटे रहे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अनुभवी उम्मीदवार भी दिए हैं और नए उम्मीदवारों को भी अवसर दिया है। युवा ऊर्जा और अनुभव मिलकर
सोनार बांग्ला की तरफ आगे बढ़ेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं इस बार बंगाल के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे फर्स्ट टाइम वोटर से अपने नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि सोनार बंगला के सपने को सच करने के लिए भारी मात्रा में वोट डालिए, हर नौजवान को घर से निकालिए। आपसे पहले की पीढ़ियों का बहुत कीमती समय लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी ने गंवा दिया है। तीन तीन चार चार पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं लोग। नौजवानों, आपको बर्बाद मुझे नहीं होने देना, आपके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देना। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल के लाखों प्रतिभाशाली लोगों को पलायन करना पड़ा है। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल उतनी तेजी से विकास नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। और मेरे नौजवान साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि आप उस समय पहली बार वोट करने जा रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। अब से लेकर अगले 25 साल जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, आपके लिए 25 वर्ष बहुत अहम है। आपकी जिंदगी के स्वर्णिम समय है ये। बंगाल में आपको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए बीजेपी से की सरकार बंगाल में लाना बहुत जरूरी है। बंगाल में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बंगाल में बीजेपी सरकार जरूरी है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की आधुनिकता बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा ताकि स्थानीय भाषा में डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। डबल इंजन की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के हर गांव में एक इंटरनेट कनेक्शन देने वाला फाइबर ऑप्टिकल बिछाने का काम को गति दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार में जल जीवन मिशन को, हर घर जल की योजना को पूरी तेजी से यहां लागू किया जाएगा। बहुत ही कम समय में पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शुद्ध जल की सुविधा से जोड़ा जाएगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पूरे देश के अस्पतालों में मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, गांव गांव में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। भाइयों और बहनों, विष्णुपुर विश्वविख्यात टेराकोटा मंदिर की धरती है। ये परंपराओं और विरासत की धरती है। बांकुड़ा में एक और सदियों पुराना आर्किटेक्चर है तो दूसरी तरफ प्रकृति की विरासत भी है। यहां प्राकृतिक और हेरिटेज टूरिज्म के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की पर्यटन बनाने वाली योजनाएं यहां बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यहां के कारीगरों के हाथ में जादू है। विष्णुपुर की सिल्क साड़ी, बालू छुरी, पीतल का आर्ट वर्क, डोकरा आर्ट, टोलटेरा कोटा कारीगरों की कला यहां आत्मनिर्भर भारत में जुड़ी हर वो चीज है जो आपको मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। समय उन नीतियों निर्णयों को बदल लेता है जितने यहां के लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, डेयरी उद्योगों को, बुनकरों को, मछली पालन से जुड़े व्यवसाय को
बर्बाद करके रख दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहां की लोकल प्रतिभा को हमें आगे भी बढ़ाना है और इस लोकल के प्रति पूरे देश में लोगों को वोकल भी करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार देश भर में टॉय क्लस्टर बनाने पर विशेष बल दे रही है। यहां के टेराकोटा टॉयज देश और दुनिया में धूम मचा सकते हैं। डबल इंजन की सरकार इसको प्रोत्साहित करेगी। यहां बैंबू से जुड़ा व्यवसाय भी बहुत होता है। ये हमारी सरकार है जिसने बैंबू उगाने वाले किसानों और बैंबू का कारोबार करने वाले ट्रेडर्स की परेशानियों को समझा। हमारे देश में दशकों से एक कानून था जिसमें बैंबू को वृक्ष की कैटेगरी में ट्री की कैटेगरी में डाला हुआ था। इस वजह से निजी जमीन या खेत में उगाए गए बैंबू को काटने उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आती थी। हमारी सरकार ने ये कानून बदला और अब इसका फायदा किसानों को आदिवासियों को उद्यमियों को हो रहा है। भाई और बहनों आपको डबल इंजन की सरकार के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते चलना है। बीजेपी स्कीम पर चलती है, बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी ने भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लेती है। टीएमसी का मंत्र है जहां स्कीम वहां स्कैम, जहां स्कीम वहां स्कैम। जिन योजनाओं की डिलीवरी राज्य सरकार के माध्यम से होनी थी उनको उन्होंने अपने स्कैम के रंग में रंग दिया। आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में स्कैम नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको लागू करने से इनकार कर दिया। आठ चरणों में एक एक करके बंगाल के लोग टीएमसी के हर स्कैम का हिसाब करेंगे और मैं आज बंगाल की धरती पर फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश भर के किसानों के खाते में अब तक करीब करीब 14,000 रुपया हर एक किसान के खाते में जमा हो चुका है। बंगाल का किसान वंचित रह गया है। हमारी डबल इंजन वाली सरकार आते ही यहां के हर किसान के खाते में वो पैसा पहुंचा दिया जाएगा, हर किसान के खाते में पहुंचा दिया जाएगा और आगे भी योजना आपके लिए चालू रहेगी। और भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, टीएमसी का एक ही काम, जिसमें स्कैम करने का मौका नहीं है उस स्कीम को हाथ ही नहीं लगाना, स्कैम करने के लिए मौका मिले तभी स्कीम को लेना। और ये बात टीएमसी को भी अच्छी तरह पता चल गई है। इसलिए दीदी और उनके दल के लोगों ने बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। तो बांकुरा से ये तीखा हमला किया प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर। ABP News आपको रखे आगे।